जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके एग्स भी आए हुए हैं मेरे पास अब। जी जनाब इस पेयर के बारे में बताएं, ये कौन सा पेयर है? बेसिक इस टाइम दिखा नहीं सकता क्योंकि ये मैं अभी ब्रीड पे लग मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो उनकी वैल्यू पर भी वर्किंग कर रहा हूँ और एटमोसफियर अच्छा ही था, मेरी गलती थी कि इसके अंदर अभी उनके बारे में बताएं। बेसिकली इसके अंदर मैंने लगाया 15-20 दिन मैं दूंगा कि इसको मुझे ग्रीन ऑफलाइन आप पेटी आपके सामने वही पेटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान जहांज़ीद जमशेद। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से। देखने वाले हमारे तमाम व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से आदाब और रिस्पेक्ट। व्यूअर्स एक बार फिर से हमारी टीम पेश आपकी खिदमत में एक सेटअप की वीडियो के साथ। आज हमने सोचा कि ना आपकी खिदमत में एक बर्ड्स का सेटअप लेकर आया जाए, तो यहाँ पे हम बर्ड्स में आपको वैरायटीज़ दिखाएंगे जो भी यहाँ पे वैरायटी मौजूद होगी। तो सेटअप दिखाने से पहले ऑनर से बात करेंगे, जानेंगे कि ऑनर इस वक्त कौन कौन से बर्ड्स के ऊपर काम करें, उनका क्या इंटरेस्ट है, कितने अच्छे से उनका एक्सपीरियंस है, तो ये सब चीज़ें शेयर करेंगे। अच्छा प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो जनाब हमारे साथ सेटअप के ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से? अल्लाह करम, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले अपना तारुफ करा दें व्यूअर्स के साथ। मेरा नाम मेदी अब्बास है, मैं इस हॉबी में तकरीबन 4 से 5 साल दे चुका हूँ और मैं बेसिकली हर कैटेगरी में काम करने में, मुर्गियाँ भी हैं, लव बर्ड्स भी हैं, कॉकटेल्स भी हैं और दीगर चीज़ें और भी। अच्छा ये बताएं कि आप हमारे व्यूअर्स को कौन कौन से बर्ड्स दिखाने जा रहे हैं आज? मैं आज आपको खसूसी लव बर्ड्स के लिए लाया हूँ, उसके अंदर मेरे पास अच्छी म्यूटेशन हैं जो कि इस टाइम बहुत कम लोग काम कर रहे हैं इनके ऊपर और इसके अंदर क्वालिटी पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी बेसिकली। अच्छा ये बताएं हमारे व्यूअर्स को कि आपको लव बर्ड्स की म्यूटेशन का कैसे ख्याल है कि इनके ऊपर भी काम करना चाहिए? बेसिकली मुझे कलर्स इनके बहुत पसंद आए थे और मेरे फादर में अल्बाइनो में पहले से काम करते आए थे, तो मैं सोचा क्यों ना इसको हम फर्दर ग्रो करें और म्यूटेशन की तरफ फॉरवर्ड हों। अच्छा ये बताएं अभी आप म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनसे ब्रीड हासिल कर रहे हैं आप? जी जी जी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी आ रही है। पेयर्स आपके पास? मेरे पास अप्रॉक्स 20-30 पेयर्स होंगे। ठीक है चलिए विजिट करते हैं। आइए व्यूअर्स आपको इनका सेटअप दिखाते हैं। तो व्यूअर्स इस वक्त अजान हो रही है, आप लोग सुन सकते हैं अजान की आवाज़ आई, तो इंशाल्लाह अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को, अजान का एहतराम करते हैं। जी जनाब इसके बारे में बताएं, ये सिंगल पीस रखा हुआ आपने? सिंगल पीस रखा हुआ है, इसकी फ़ीमेल थोड़ी डिले हो गई है आने में, इंशाल्लाह मेरे पास सैटरडे तक इसकी फ़ीमेल भी आ जाएगी। इसका मैंने पेयर बनाना है, ये बर्ड है फिशरी में, पैलेट स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का ये मेल है। क्या प्राइस इसको सेल करेंगे आप? बेसिकली फॉर सेल नहीं है, मगर मार्केट में इसकी प्राइस अप्रॉक्स 400K तक की है इस टाइम। 400K तक की है, ठीक है। तो आप पेयर बना के इससे ब्रीड हासिल करेंगे? जी मैंने इसका पेयर ही बनाना है और आगे इसमें इससे पैलेट ऑफलाइंस की वर्किंग करनी है जो इस टाइम बहुत कम लोग कर रहे हैं। अच्छा अभी फुल मैच्योर है ये? जी ये फुल मैच्योर है और ब्रीडर मेल है ये। जी जनाब ये कौन सा पेयर है? ये भी मेरे पास एक और पैलेट ऑफलाइन वर्किंग का पेयर है, इसमें मेल लगा हुआ है ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पैलेट और फीमेल है ग्रीन पैलेट की इसमें। अच्छा तो ये ब्रीडिंग पेयर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके एग्स भी आए हुए हैं मेरे पास और फर्टिल एग्स हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो ये पेयर क्या फॉर सेल है? मैं ब्रीड करवा के चिक्स फॉर सेल करता हूँ, मैं कोई ब्रीडर पेयर अपने घर से नहीं फॉर सेल करता। अच्छा ब्रीडर पेयर आप सेल नहीं करते, चिक्स सेल करते हैं, ठीक है। तो ये बताएं कि इनके चिक्स की क्या प्राइस होगी जब चिक्स आएंगे? तो इस पे मैं आपको कॉल पे बुकिंग करवाऊँगा एडवांस, क्योंकि इनकी फ्लक्चुएट होती रहती है प्राइस, तो उसके बारे में हम कुछ वो इस पे बात आगे नहीं कर सकते। ठीक है ये बता दें कि आप जो चिक्स सेल करते हैं वो किस एज में सेल करते हैं? बेसिकली सेल्फ होने के बाद मैं करता हूँ, सेल्फ होने के भी 15 से 20 दिन बाद मैं सेल करता हूँ ताकि किसी व्यूअर्स या और भी कोई बायर होने कोई परेशानी ना हो। जी जनाब इस पेयर के बारे में बताएं, ये कौन सा पेयर है? बेसिकली इसके अंदर मैं ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की अच्छी क्वालिटी में वर्किंग कर रहा हूँ, जिसके अंदर ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल लगी हुई है जो, और उसके साथ फाब्लू यूविंग ऑफलाइन का मेल लगा हुआ है। अच्छा तो ये पेयरिंग हो चुकी है इनकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पेयरिंग हो चुकी है। ठीक है तो फर्स्ट ब्रीड आएगी? जी जी इनकी फर्स्ट ब्रीड आएगी, मेल तो पुराना मेरा है, कोई 4 साल से मैं इसको मेल से ब्रीड ले रहा हूँ और फीमेल मेरी खुद में है, अब यंग हुई है बिल्कुल 1 ईयर की अप्रॉक्स है। अच्छा ये बताएं कि इनके चिक्स की क्या प्राइस होगी?
इनके चिक्स की प्राइस इंशाल्लाह व्यूअर से हम अच्छे में डील करेंगे और उनको सस्ते रेट्स में मार्केट से। ये जो आपने पेयरिंग करी है अलग अलग उसकी मोटिवेशन के आपने लगाए, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या बनती है? इसकी मार्केट वैल्यू बेसिकली क्वालिटी पे होती है। अब जैसे कि इसके अंदर ग्रीन ऑफलाइन आपको 8,000 से लेके 1,50,000 का भी मिलता है, वो सिर्फ क्वालिटी और ब्लड लाइन इन सारी चीज़ों पर होता है। तो डिपेंड करता है आपने किस क्वालिटी के बर्ड्स लगाए हैं, तो उस हिसाब से आपको पेयर पड़ता है, कॉस्ट करता है। जी जनाब, इस पेयर की क्वालिटी को डिफाइन करें। बेसिकली ये बर्ड, इसमें एक ब्लूटूथ यूविंग ऑफलाइन है, मेरे घर की फीमेल है टेस्टेड, और दूसरा बर्ड इसने सफ़ायर का लगा हुआ है। जो सफ़ायर का बर्ड है उसकी मैंने जो नोट किया है, मैं पिछले सामने 1.5 साल से करा रहा हूँ, ये अपने रंग तब्दील करता है। अब क्योंकि मैं आपको पकड़ के इस टाइम दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये मैं अभी ब्रीड पे लगा हुआ है, वरना तो मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन भी सही से समझाता कि कैसे बर्ड सफ़ायर है या ये फिशरी में आइडेंटिफिकेशन की होती है। अगर भी आप अभी भी देखेंगे तो हल्का सा क्रीम इसके ऊपर सर के ऊपर अभी भी पना है। इस पेयर की मार्केट वैल्यू अभी अनसर्टेन है, क्योंकि ये है बहुत रेयर, दोनों चीज़ें बहुत रेयर हैं अभी इस टाइम, इसकी कोई मार्केट वैल्यू मार्केट में है ही नहीं है बर्ड, तो उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। मार्केट वैल्यू नहीं, रेयर बर्ड है ये। ठीक है, तो अभी आपके पास ब्रीड पर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास ब्रीड पे फर्टिल एग्स आए हैं मेरे पास। ये बताएं कि फर्स्ट टाइम ब्रीड करें, आपने इससे पहले भी इसी ब्रीड हासिल करी है? बेसिकली मैंने खुद बाय किया था, ब्रीडर ही बाय किया था इसकी। मेरे पास आज तक कोई ब्रीड नहीं आई, पहली ब्रीड आएगी, मगर जो दूसरे बंदे के पास ब्रीड आई थी। जी जनाब, ये कौन सा पेयर है? बेसिकली इसके अंदर एक बर्ड लगा हुआ है पेल फेलो अपलाइन स्प्लिट ब्लू इनटू ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। ये माशाल्लाह से मेरे घर का पेयर है, और आप देख सकते हैं कि पेल फेलो अपलाइन की कैसी क्वालिटी है, ब्राइट कलर्स के अंदर है ये। ये आपका ब्रीडर पेयर है? नहीं, ये मैंने फर्स्ट टाइम लगाया, अब इंशाल्लाह ये बॉन्ड हो चुका है पेयर। इसके साथ मैं एक और फीमेल भी इस्तेमाल करूँगा, मगर वो अभी लाहौर से आ रही है, तो ये इंशाल्लाह मेरे यहाँ फर्स्ट ब्रीड करेगा, मगर बॉन्ड हो चुका है पेयर। अच्छा, इसकी वैल्यू बता दें, इसकी वैल्यू क्या? बेसिकली पेल फेलो ऑफलाइन इस वक्त वर्ड चल रही है अराउंड 100K की, मगर और ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो लोग बेच रहे हैं 15 से लेके 25 या फर्दर, अगर आपके पास क्वालिटी जैसी हो। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट इनके चिक्स कितने तक के मिल जाते हैं? बेसिकली डिपेंड करता है इसके अंदर क्या चीज़ आप मांग रहे हैं। अगर ब्लू पेल फेलो ऑफलाइन आ जाता तो उसकी वर्ड 1 लाख अबव है, और अगर जैसे ग्रीन पेल फेलो ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू आ जाता है तो उसकी वर्थ अराउंड 80-90 अप्रॉक्स ऊपर जाती रहती है, 1 तक जाती है, 1 से अबव भी चली जाती है, क्वालिटी पे डिपेंडेंट। ठीक है जी जनाब, इस पेयर के बारे में बताएं। ये पेयर है ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू, ये मैंने खुद इंपोर्ट कराया था, हॉलैंड का रिंग बर्ड है ये, और इसके साथ वायलेट फार ब्लू ऑफलाइन की फीमेल है। इम्पोर्टेड पेयर है? बेसिकली इसमें एक दाना इम्पोर्टेड है हॉलैंड से और एक दाना लोकल है। ठीक है, तो आपने अभी तक इनसे ब्रीड ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ब्रीड भी आई हुई है और इनके चिक्स भी हैच हुए हैं मेरे पास। तो आपने इम्पोर्ट कराया था, तो आपने कितने का इम्पोर्ट करवाया था? बेसिकली मुझे कॉस्ट तो मैंने काफ़ी सारे बर्ड लिए थे, मुझे लमसम कॉस्ट में मैंने ली थी, तो मुझे इसकी कॉस्टिंग वैसे अप्रॉक्स पड़ती है 30,000 पर पीस सिर्फ इम्पोर्ट की। 30,000 पर पीस इम्पोर्ट की। अच्छा, और अभी इसकी वैल्यू क्या है इस पेयर की? इस पेयर की वैल्यू अब इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं रही है, क्योंकि पहले जब मैंने करवाया था तो इस पेयर की काफ़ी अच्छी डिमांड हुआ करती थी, अब ऑफलाइन के अंदर वो रुझान नहीं है, अब लोग आगे फॉरवर्ड फर्दर म्यूटेशंस पे हो गए। अच्छा, ये बताएं ब्रीड कर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये ब्रीड कर रहा है, और इसके मेरे पास चिक्स भी आया हुआ है, मैं आपको चिक्स भी दिखाता हूँ। चिक्स अवेलेबल हैं इसके? जी, इसके अभी तो छोटे हैं चिक्स, मगर क्या आप इसे क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेयर किस क्वालिटी के बच्चे देता है मुझे? जी जनाब, तो ये इसका चिक्स है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसका चिक्स है, ये वायलेट फार ब्लू ऑफलाइन आया है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा प्यारी क्वालिटी के अंदर और मैंगो हेड के अंदर। अच्छा, एक ही चिक आया इनका अभी तक? जी बेसिकली डेड एंड शेल हो गए थे मेरे पास, बेसिकली एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, मेरी गलती थी कि मैंने थोड़ा जल्दी बॉक्स लगा दिए थे। अच्छा, इस चिक की एज कितनी है? इस चिक्स की एज होगी 45 to 50 days ज़्यादा से ज़्यादा। और प्राइस? प्राइस इंशाल्लाह वैसे तो इस मार्केट प्राइस चल रही है अराउंड 35-40, मगर इंशाल्लाह अभी इसको वेयर पूरा डेवलप होने दें, उसके बाद मैं इसकी सही प्राइस बता पाऊँगा, क्योंकि क्वालिटी पे वो बात है। आपने जो मार्केट प्राइस बताई वो पेयर की बताई या सिंगल पीस की बताई? सिंगल पीस की। सिंगल पीस की आप बता रहे हैं, 30 to 40 कहते हैं? जी जी जी।
जी जनाब, इस पेयर के बारे में बताएं। इसमें दो कलर हैं, एक ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है जी। इसके अंदर मैं बेसिकली मैं शो क्लास ऑफलाइन की वर्किंग कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैंने ए सिटी के शो में बर्ड्स लड़ाने, तो उनके ही बच्चे में लड़ाऊँगा। इसके अंदर एक बर्ड है ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन इंटू ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का, ये पेयर है मेरा। अच्छा, तो ये ब्रीडर पेयर है आपका? जी अलहमदिल्ला ब्रीडर पेयर है। इसके चिक्स भी मेरे पास हैचू हैं मैं। ठीक है, तो मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो उनकी वैल्यू क्या बनती है? इसके अंदर बेसिकली अभी तो वर्थ इसकी 8,000 तक चली गई है मार के। अभी भी वही बात है, जो जैसी क्वालिटी होगी बर्ड की वैसी इसकी प्राइस होगी। अच्छा, आप बता रहे थे कि इसके चिक्स भी अभी आए हैं? जी अलहमदिल्ला मेरे पास 4 चिक्स अभी हैच हो चुके हैं इसके, और मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जी जनाब, ये छोटे चिक्स इसके भी आए हैं, इनकी एज कितनी होगी? बेसिकली इनकी एज ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कुछ तो मुझे एक या दो दिन हुई होगी एज, बाकी के 5 से 6 दिन होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अच्छा, तो अभी मैं देख रहा हूँ इसमें एग्स भी मौजूद हैं? जी जी अलहमदिल्ला 2 एग्स भी मौजूद हैं इसके अंदर अभी। ठीक है, तो 4 चिक्स की उम्मीद है कि 4 कन्फर्म आ जाएंगे? जी इंशाल्लाह 4 तो हैच हो चुके हैं इसके अंदर, अब 2 बचे हैं, अब इंशाल्लाह देखते हैं उसमें से क्या होता है। जी जनाब, इनके बारे में बताएं। बेसिकली इसके अंदर मैंने लगाया हुआ फार ब्लू इंटू एल्बाइनो का पेयर, और मेरी एल्बाइनो अलहमदिल्ला प्योर फिशरी है, जिनके मैं अभी आपको चिक्स भी दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये आपने दो तरह के कलर को बेसिकली ये फर्दर मैंने क्रिमिनो की वर्किंग की हुई है, क्रिमिनो फिशरी की, और अच्छे साइज़ में क्रिमिनो मैं प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये पेयर लगाया हुआ। अच्छा, तो ये बताएं कि इस पेयर की वैल्यू क्या बनती है? इस पेयर की वैल्यू इस टाइम ब्रीडर पेयर चल रहा है अराउंड 45 तक का चल रहा है। और इनसे जो चिक्स निकलते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है? बेसिकली इसके अंदर या तो एल्बाइनो निकलेगा, मगर क्या ये स्प्लिटिनो नहीं है तो एल्बाइनो नहीं निकल सकता। इसका निकलेगा फार ब्लू स्प्लिटिनो और ब्लू फिशरी स्प्लिटिनोज आएंगे। ब्लू फिशरी स्प्लिटिनोज अप्रॉक्स 3,500 से लेके 10K तक जाती है, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी। और फार ब्लू स्प्लिटिनो अगर बहुत बुरी मास्किंग में तो 13,000 तक का भी मिल जाता है, और अच्छी मास्किंग का 25,000 तक जाता है। अच्छा, अभी इनके चिक्स भी आए हैं? जी अलहमदिल्ला मेरे पास 3 चिक्स भी आए हैं, और अच्छे खासे बड़े चिक्स हैं, नियर टू सेल्फ हैं वो। ठीक है, वो भी दिखा दें व्यूअर्स को। जी जनाब, ये चिक्स हैं इनके? अब बेसिकली ये चिक्स आए हैं, ये सारे तीनों फार ब्लू स्प्लिटिनोज हैं अलहमदिल्ला। तो तकरीबन ये कितने टाइम लेंगे और मज़ी सेल्फ होने में? इनको बेसिकली अभी भी 15-20 दिन मैं दूंगा कि सुकून से सेल्फ हो, मुझे कोई जल्दी नहीं होती बर्ड से, मैं इनको टाइम सुकून का दूंगा। तो ये बताएं कि चिक्स की क्या वैल्यू होगी? इनकी चिक्स की वैल्यू मार्केट के अंदर इस क्वालिटी के चिक्स की 25 तक वैल्यू जा रही है। और मार्केट प्राइस से कम में आप देंगे व्यूअर्स को? जी जी इंशाल्लाह, मेरे पास अगर आपके कोई नाम से आता है लेके, तो मैं उसके साथ बहुत मोहब्बत से उसको कम चिक प्राइस के अंदर चिक्स अपने दूंगा, और अच्छी क्वालिटी के भी दूंगा। जी जनाब, इस पेयर के बारे में बता दें व्यूअर्स को। बेसिकली ये जो फीमेल है ब्लू फिशरी है, ये भी डेनमार्क का रिंग बर्ड है, और उसके साथ ग्रीन ऑफलाइन है, मेरे घर का बर्ड है, और मैंने इनसे भी अच्छी क्वालिटी के स्प्लिट ब्लूज़ बना दी, जिनको मैं फर्दर ब्लू ऑफलाइन शो क्लास की वर्किंग में लेके जाऊंगा। इनके चिक्स अभी अवेलेबल नहीं है, बेसिकली इनकी हैचिंग स्टार्ट होने में भी कुछ दिन रहते हैं। हैचिंग स्टार्ट होने में कुछ दिन रहते हैं, यानी एग्स आ चुके हैं इनके? जी जी अलहमदुलिल्लाह एग्स आ चुके हैं। इससे पहले ब्रीड करी है फर्स्ट ब्रीड करी है? बेसिकली इन्होंने पहले ब्रीड की है, मगर वो मैंने पिछले साल इनके बच्चे भेज दिए थे। जी जनाब, बेसिकली इसके अंदर ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लूज निकलेंगे, और इसके अंदर ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लूज निकलेंगे। जी जनाब, एल्बिनो के ऊपर भी आप वर्किंग कर रहे हैं इस वक्त? जी अलहमदिल्ला मैं एल्बिनो के ऊपर भी वर्किंग कर रहा हूँ, और मेरे पास इसके अच्छे खासे पेयर लगे हुए हैं, और मैं फर्दर बढ़ा रहा हूँ उनके पेयर्स तक, क्योंकि ये सदाबहार बर्ड है, ये हमेशा काम आता है। अच्छा, ये बताएं कितने पेयर्स आपके पास अभी मौजूद हैं? बेसिकली मेरे पास अराउंड 6-7 पेयर स्प्लिट टू विजुअल के लगे हुए हैं, और 3 पेयर मेरे पास एल्बिनो टू एल्बिनो के लगे हैं। अच्छा, ये बताएं कि पेयर फॉर सेल हैं? बेसिकली कोई पेयर फॉर सेल नहीं है, मेरे पूरे शेड के अंदर मैं सिर्फ चिक्स बेचता हूँ। ठीक है, तो ये बताएं कि जब इनके चिक्स आते हैं तो क्या प्राइस होती है उनकी? बेसिकली एल्बिनो की जो मार्केट प्राइस है उससे मैं हमेशा 2,000 और देख लेता हूँ, जिस क्वांटिटी में बनने को बर्ड चाहिए उनसे थोड़े कम पैसों में मैं दे देता हूँ। अच्छा, ये मार्केट प्राइस से कम पैसों में आप जी चिक्स मिलेंगे? ठीक है। जी जनाब, है ना रोस्टर की वैरायटी के ऊपर भी आप वर्किंग कर रहे हैं इस वक्त? जी बेसिकली ये मेरा शौक था, मुझे पसंद आया था, तो मैंने सिर्फ एक पेयर इसका लगाया, अब क्या मेरा दिल भर गया इस पेयर से, तो मैं अब ये फॉर सेल करना चाह रहा हूँ। इस नस्ल का नाम डोंगटाओ है। अच्छा,
आपका दिल भर चुका है सर? जी मेरा दिल भर चुका है। और क्या इसका दिल भरा आप सर? ये कह नहीं सकते क्योंकि ये मुझे अभी भी बहुत अजीज़ है मार्किया। मेरे पास स्पेस नहीं है क्योंकि बर्ड्स के साथ आप दूसरी दीगर चीज़ें इतनी ज़्यादा उसके अंदर आप काम नहीं कर पाते। इस चक्कर में मैं चाह रहा हूँ कि इसको फॉर सेल हो हत्ता कि मेरे घर में एक्सपायर ना हो। ये बता दीजिएगा मुझे कि ये लोकल है यहाँ का या फिर इम्पोर्टेड है? ये बेसिकली ये लोकल है। ये लोकल है, ठीक है। तो अभी इसकी एज कितनी है? ब्रीडिंग पर बेसिकली मेरे पास एगलिंग भी आ चुकी है और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी यंग पेयर है पूरा। एज बता देगा इनकी? बेसिकली इसकी एज होगी अराउंड 1.5-2 साल की एज का ये पूरा पेयर होगा। अच्छा, हमारा कोई व्यूअर अगर लेना चाहे तो हमारे व्यूअर्स के लिए क्या प्राइस होगी इसकी? बेसिकली आपके व्यूअर्स कांटेक्ट करेंगे मेरे से तो उन्हें मैं मार्केट से कम रेट पे ये दे दूंगा बर्ड। ठीक है, अभी मार्केट प्राइस भी मेंशन कर दिया। बेसिकली अभी लेटेस्ट शिपमेंट के अंदर इसका 35K का रेट आया पर पीस और मैं ये इंशाल्लाह आपको उससे कम में दे दूँगा। ठीक है, मार्केट प्राइस से कम में देंगे हमारे व्यूअर्स को? जी जी जी, मैं मार्केट प्राइस से कम में दे दूंगा और ये लोकल ब्रीड। ठीक है, तो एक्टिव हैं ये और मैच्योर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्टिव हैं, मैच्योर हैं, आपके सामने हैं और आप इनके फीड्स भी देख सकते हैं कि एक क्वालिटी आपके सामने है। अच्छा, इनको वही फीड नॉर्मल वाले खिलाते हैं इनको? अब बेसिकली इनको फीड भी चलती है, दलिया भी खिला सकते हैं, गंदम, ये सारी चीज़ें आप खिलाएं, ये सब खाते हैं वैसे तो। जी मेरी साहब, तो इस वक्त आप लवबर्ड्स की म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और एक आपने हैन एंड रूस्टर की वैरायटी दिखाई जिसमें आपका दिल भर चुका है तो आप सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा ये बताएं कि और इन फ्यूचर आपको क्या क्या प्लान है, क्या क्या रखेंगे आप? अभी मैं कॉकटेल्स पे थोड़ी स्टडी कर रहा हूँ मैं फर्दर, क्योंकि मैंने एक पेयर ला के भी स्टार्ट किया है। अगर मुझे वो अच्छी ब्रीड देता है तो मैं कॉकटेल्स पे काम अपना फर्दर इन्हेंस करूँगा। फिर उसके अंदर जैसे कि कबूतर के अंदर मैंने काम करने का सोचा हुआ है और साथ में ऊपर डब्स के ऊपर भी काम चल रहा है, मगर मैंने अभी बहुत कम क्वान्टिटी में लगाई हुई। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में मैं डव्स, कॉकटेल्स और पिजन्स की अच्छी वैरायटी रखूँगा तो आपको ज़रूर बुलाऊँगा। अच्छा, लबर्ड की म्यूटेशन में भी आके काम करेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने लबर्ड की म्यूटेशन में आगे काम करना है और मैं इंशाल्लाह सेटअप अब अगली बार आपको बुलाऊँगा तो नई म्यूटेशंस के मेरे पास अवेलेबल होंगी तब बुलाऊँगा। अच्छा, नए देखने वाले शाकिन दोस्तों को हमने वेलकम करना है तो आपने वो प्राइस में सेल करना है हमारे व्यूवर्स को कि जो नए शाकिन हैं, जो शौकीन हैं, उनका शौक पूरा हो। जी जी, ये मैं खुद शौकीन हूँ तो मैं बेहतर जानता हूँ कि किस बंदे को शौक़ है और उसको कैसे वो पैसे जमा करके शौक़ करता है। तो मैं हर शौकीन की मदद करूँगा और जो मेरे से उपाय है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जनाब, अपना नाम बता दें पूरा, कॉन्टैक्ट नंबर? मेरा नाम है सैयद मेहदी अब्बास नकवी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03-120-263-922। मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 03-120-263-922। जी मेहदी साहब, इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं आपके? बेसिकली मेरा अपना चैनल है MM Mabry के नाम से, मेरे फेसबुक आईडी भी मनी भी MM Mabry के नाम से, जिसके ऊपर मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। वहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ और मेरी बर्ड्स की क्वालिटी अगर किसी बंदे को और सही तरीके से देखनी है चिक्स की तो मेरी आईडी जाए फेसबुक पे और वो वहाँ पे देखे, और मैं MM Mabry जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैं नॉलेज देता हूँ तो उसके ऊपर मेरे डिमांड करें और मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है, उम्मीद है व्यूअर्स लाजमी विज़िट करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो व्यूअर्स, ये थी एक नई सेटअप की वीडियो। आज हमारी टीम ने खसूसी तौर पर आप व्यूअर्स के लिए विज़िट किया यहाँ पे, हमें आप लोग को लबर्ड्स की कुछ वैरायटी दिखानी थी तो हमने थोड़ा सा सरप्राइज़ भी रखा आप लोग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरीके से आप लोग के लिए वीडियोज़ लाते रहें तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा नेक्स्ट प्रोग्राम में आप व्यूअर्स से मुलाकात होती है, जब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।